लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग खत्म। पोलिंग बूथ पर उमड़ा बॉलीवुड, कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच जमकर हुई झड़प। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो की तोड़ी कार। पीएम ने सिरमपुर में रैली के दौरान ममता पर किया वार, कहा टीएमसी के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में, चुनाव के बाद छोड़ेंगे पार्टी। झारखंड में पीएम का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस चाहती है कमजोर सरकार जिसे वो रिमोट से चला सके। जौनपुर में बोले शाह, पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने बिछा रखी थी तोपे, फिर भी हमने एयर स्ट्राइक कर लिया बदला। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर काशी से होंगे एसपी बीएसपी के उम्मीदवार, तेज बहादुर मोदी को देंगे काशी से सीधी टक्कर। नवजोत सिंह सिद्धू का बेतुका बयान, कहा एक गलत वोट आपके बच्चों को बना सकता है चौकीदार। चौकीदार चोर है मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया नया हलफनामा। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी को एबीसीडी वाले बयान पर चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, कहा ऐसा बयान दोबारा ना दे मेनका। गुरदासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सनी देओल नामांकन के बाद बोले, राजनीति की समझ नहीं लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूँ। 29 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में कौन बनेगा करोड़पति होगा लॉन्च, शो को कश्मीरी एक्टर रईस मोहिउद्दीन करेंगे होस्ट। एवेंजर्स एंड गेम ने तोड़ दिए सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, 3 दिन में 157 करोड़ की कमाई। एयर इंडिया ने किया बड़ा फैसला, यात्रियों को 1 मई से 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं चुकाना होगा कोई शुल्क। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर बैन के लिए पाकिस्तान तैयार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा मसूद अजहर का संबंध पुलवामा हमले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान फैनी से निपटने के लिए तैयारी पूरी, अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।